नमस्ते जी। सो वेलकम बैक टू माई चैनल बबुल डियोरी हियर। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। फिलहाल तो अभी हूँ मैं मनाली में। एंड बिफोर स्टार्टिंग एनी थिंग लेट मी इंट्रोड्यूस टू आवर न्यू वॉलेंटियर। इट्स नॉट न्यू, एक महीना होने वाला है इनका। बट हर नेम इज नमिता। शी फ्रॉम केरला। त्रिशूर। यस, शी फ्रॉम त्रिशूर। एंड शी इज अ शेफ। पैटिसरी। आई एम अ पेस्ट्री शेफ। वो पेस्ट्री शेफ है। एंड देयर इज अ टर्म दैट आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस। ही ओनली नोस हाउ टू प्रोनाउंस। क्या था वो? पैटिसरी। सो आई एम अ पैटिसियर। हां, दैट्स ऑन दैट वन ओनली। एंड अ बेक। हां, एंड अ बेक एंड आल्सो अ बेकर। एंड ये अपने यहां पे रेड हाउस पे वॉलंटियर कर रही है फ्रॉम मार्च 5। या मार्च 5। ऐसा मार्च 5 से कर रही है। अप्रैल 5 में भी जाने भी वाली है। सो इट्स ऑलमोस्ट टाइम। इवन मी आई एम मैं भी जाने वाला हूं शायद अप्रैल 5 को मनाली से। कहाँ जाने वाला हूँ वो मुझे पता नहीं फिलहाल अभी। सो आई हैव अ कन्फेशन कि मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं अपलोड किया। एंड उसका एक रीज़न भी है। आई एम नॉट गिविंग एनी बहाना सो समथिंग, पर एक्चुअली क्या है कि मौसम भी साफ नहीं था एंड थोड़े बहुत यहाँ वहाँ कामों में, खुद के कामों में भी उलझ गया था। या सो वो था, दैट्स द रीज़न। पर लास्ट मैंने अपने व्लॉग में दिखाया था कि मैंने गया था स्नो बोर्डिंग करने के लिए, है ना। तो आफ्टर दैट होली केम। हम लोग होली पे होली में यू आर नॉट देयर इन होली राइट? आई डिडंट गो। ओ यू डिडंट गो इन? नो, आई डिडंट गो फॉर होली। वेयर यू हियर इन मनाली इन होली? या आई वाज देयर। आई वाज देयर इन मनाली ओनली, बट आई डिडंट अटेंड होली। हां, सी डिडंट अटेंड इट। बट यहां पे एक मनाली में एक हॉस्टल है बाय द नेम मड हाउस। तो वहां पे होली सेलिब्रेट किया गया था एंड दे इनवाइटेड अस। सो मैंने वहां पे अपनी लाइफ की पहली होली मैंने वहां पे खेली है। मैंने इससे पहले कभी होली खेली नहीं थी। या नो, my parents didn't let me before. I don't know why, but same. Yeah, simply. And I don't like it now. So I don't like it. Yeah, because see, bachpan mein we didn't get a chance to play, and after growing up, we since you like didn't play in your childhood, now you don't like it. Yeah, like yes. No, as I grew up, like I have attended like one Holi festival in my college, but I didn't like it because next day I have to, you know, my hair will be completely messed up. It's not good for my hair if the color is not good, and then I don't like that. My skin, you know, then I'll be all pink and red. different color. Yeah, I don't like that. So. Yeah, women. I don't go for Holi. अंडरस्टैंडेबल। तो मैंने भी पहले कभी खेला नहीं था होली, बट इस साल मैंने पहली बार होली खेला है। काइंड ऑफ थोड़ा सा खेला था। तो वहाँ पे सीन कुछ ऐसा था। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैंने होली ये साल से पहले मैंने कभी भी खेला नहीं था। एंड मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को मैंने मिस आउट कर दिया इतने सालों में। मैंने उस दिन लोगों को रंगों में घुलते हुए पहली बार नोटिस की। कैसे लोग रंगों में घुल मिल रहे हैं, खेल रहे हैं, हंस रहे हैं। तो आई गेस लोगों को भी एक बहाना चाहिए इस तरह के त्यौहार का, कि ताकि वो अपने रेगुलर लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है उसे भाग सके शायद।
bhag sake is a very negative word, but you know, just to get a breather, I think isliye hum log ke India mein itne sare tyohar hai. And yeah, basically makes sense, right? So basically होली वॉज फन. इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो होली वॉज फन. तो शायद इस बार के बाद मैं एवरी ईयर होली खेलने वाला हूँ. आई थिंक सो. या जैसे कि मैंने अपने व्लॉग्स में बताया कि मैं वॉलंटियर कर रहा हूँ रेड हाउस इन मनाली. तो यहाँ पे वैसे तो बहुत चिल है. हम लोग जब काम वाम नहीं होता तो हम लोग चील करते हैं, कैफे में बैठते हैं, गेम्स वगैरह खेलते हैं, टाइम पास करते हैं, चील करते हैं बस. तो तभी अपने वहाँ पे एक गेस्ट थी, फिलहाल गेस्ट से ज़्यादा तो दोस्त हैं, उसका नाम है भक्ति. सो हियर शी इज. तो उसका आइडिया था कि क्यों ना पेंटिंग किया जाए. अपने रेड हाउस में एक खाली वॉल था तो उसने बोला कि ये खाली खाली अच्छा नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे पेंट वेंट करते हैं. तो उसी ने ये प्लान किया. वैसे तो गुजरात से है, उसका एक डे जॉब भी है, पर उसको पेंटिंग करना बहुत पसंद है. तो भक्ति ने क्या किया कि आजू बाजू जितने भी दोस्त हैं अपने यहाँ पे, सबको बोला आज रेड हाउस पे पेंटिंग करेंगे, सारे लोग आ जाना. तो हम सारे लोग मिलके उस दिन को पेंटिंग करने के लिए लगे. उस दिन हम जब उन बॉटलों पे रंग लगा रहे थे तब मैंने सब में और खुद में एक चीज निखरते हुए देखा, बचपन. मैंने उस दिन हम सभी में अपने बचपन को उभरते हुए देखा था, वही बचपन जो हम बड़े होते होते इस दुनिया के भीड़ में कहीं खो देते हैं, वही बचपन जो हमारे जिंदगी में एक यादगार पल बन के रह गई. खैर ज्यादा गहराइयों में नहीं जाते हैं, किसी और दिन इन गहराइयों में डुबकी लगाएंगे. सॉरी फॉर द इंटरप्शन, पर अभी जो है ना बारिश होनी शुरू हो गई है. सो मैं बाकी की जो कहानी है मैं हॉस्टल में जाके बताता हूँ, ठीक है? जैसे कि मैंने अपने ब्लॉग्स में बताया था, रेड हाउस में एवरी वीक कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होते रहता है. जैसे मंगलवार को तंबोला नाइट होता है, फिर बुधवार को ओपन जैम. ठीक उसी तरह हमने एक रविवार को एक छोटा सा ब्रंच ऑर्गेनाइज करते हैं यहाँ ओल्ड मनाली में. रेड हाउस के आसपास के प्रॉपर्टी से सबको इन्वाइट करते हैं संडे ब्रंच के लिए. और उस दिन का सीन कुछ ऐसा था. अरे 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 अरे, इन सब के चक्करों में मैं तो मेन बात बोलना भूल ही गया था. यहाँ मनाली से बस 9 किलोमीटर दूर एक जगह है जहाँ हर मंगलवार और रविवार को एक ट्रिप मार्केट लगता है, और उस जगह का नाम है पतलीगुल. पूरे हिमाचल में आपको शायद ही कहीं और इतने सस्ते में कपड़े खरीदने को मिलेंगे. उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था तो इसलिए मैंने इतना व्लॉग किया नहीं. तो मैं आया हूँ आज पतलीगुल. यहाँ पे एक मार्केट होता है एवरी ट्यूसडे और एवरी संडे. तो यहाँ पे बहुत ही सस्ते में कपड़े मिलते हैं, मतलब जैकेट्स, हैट्स, कुछ भी ले लो बहुत ही कम में मिलते हैं यहाँ पे. 50 रुपये से स्टार्ट होता है, ओनली इन 50 रुपीज. तो जाते हैं, जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं. अंदर जाके देखता हूँ और ऑब्वियसली अगर अच्छा मिलता है कुछ तो मैं ज़रूर खरीदूंगा ये यहाँ से. मतलब बहुत दिन होते हैं, मैं अभी एक महीने से मैं सुन ही रहा हूँ कि पतलीगुल में बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं, बहुत ही सस्ते मिलते हैं. एक महीने के बाद सुनते सुनते आज आने को मौका मिला है. अभी हम लोग जाते हैं अंदर, अंदर जाके स्काउट करते हैं कि कितने रुपए में कितना क्या क्या मिलता है. वाला कपड़ा 100 रुपए में, 100 रुपए में, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए.
आ गया वापस। सही में बहुत कम पैसों में मिलते हैं कपड़े, यहाँ पे कपड़े बहुत कम में मिलते हैं। 50 रुपये से स्टार्ट होता है, 500 रुपये तक, 300 रुपये में जैकेट मिलता है, टोपी मिलती है, जो भी ग्लोव्स बैग वैग हर एक चीज़ है यहाँ पे। अभी वापस जाएंगे बैक टू रेड हाउस। मतलब खुद ही सोचो, अगर एक पेन का दाम 50 या 100 रुपये का होता है तो आप अपने आप को कैसे रोकेंगे। ये जो हुडी मैंने पहना हुआ है ये भी पतली गुल से लिया था, सही है ना। तो चलो आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो फिर एक लाइक कर देना, और जैसे मैं आजकल मेरे हर एक ब्लॉग में कहता हूँ, जब तक मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं हो जाते हैं तब तक मैं घर नहीं जाने वाला, तब तक मैं पूरा इंडिया टूर करूँगा। तो अगर आपको मेरे इस 1 लाख के सफ़र का हिस्सा बनना है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बिल्कुल फ्री है। तो चलता हूँ, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक टेक इट ईजी। बुकुल देवी साइनिंग ऑफ, पीस आउट।